आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राज्य सरकार ने नई टेक्सटाइल नीति बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। सरकार ने नीति के लिए सुझाव देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। नई नीति का उद्देश्य टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार की विभिन्न एकीकृत विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू करना होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक आज शाम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने इस न्यास की स्थापना की है। बैठक में मंदिर के निर्माण को शुरू करने की तिथि निर्धारित की जा सकती है। 15 सदस्यीय इस न्यास में अन्य लोगों के अलावा धर्म से जुड़े लोग भी शामिल हैं। आज देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शिवाजी साहस और शौर्य के प्रतीक थे। उन्होंने देश में स्वाधीनता की अलख जगाई थी। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवाजी को वीरता, साहस और दूरदर्शिता का प्रतीक बताया। हमारे देवास संवाददाता ने बताया कि शहर में स्थित शिवाजी प्रतिमा से एक बाइक रैली निकाली गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है। 28 फरवरी तक चलने वाला यह अभियान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोक कला, रहन सहन, पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मणिपुर की संस्कृति और धर्म के बारे में। मणिपुर के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मणिपुर में शास्त्रीय तथा लोक नृत्य सिर्फ मंदिरों में ही किए जाते हैं। राज्य के लोग राधा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर मणिपुरी नृत्य भी राधा कृष्ण को ही समर्पित होते हैं। मणिपुर से ही रासलीला की उत्पत्ति हुई थी। मणिपुरी नृत्यों में मुख्य रूप से पुंग चोलम, माई नृत्य, खंबा थावी और नूपा नृत्य शामिल हैं। खंडवा जिले में किसान इन दिनों मिर्ची की फसल उगा रहे हैं। उद्यानिकी विकास विभाग मौसम के अनुकूल किसानों को मिर्ची की फसल बोने में सहायता कर रहा है। जिले में इस साल 5400 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्ची की फसल बोई गई है। विभाग के संचालक MS मुजालदार ने बताया है कि जिले में कई किस्मों की मिर्ची उगाई जा रही है। हमारे खंडवा जिले के किसान भाइयों में मिर्ची की खेती की ओर रुझान बढ़ा है। पिछले वर्ष 5000 हेक्टेयर में मिर्ची खेती होती थी, इस साल 5500 के आसपास रकबा बढ़ा है। इस साल लागत के अनुसार उनको समर्थन मूल्य भी अच्छा मिलने से किसान इस ओर रुचि ले रहे हैं और भविष्य में मिर्ची की खेती की रकबा बढ़ने की काफी संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए आज सिवनी जिले के ग्राम चमारी खुर्द में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुरैना के शिकाहरा गांव में विवाह कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायर में चलाई गई गोली से ब्रजपाल कुशवाह नामक युवक की मौत हो गई। टीकमगढ़ जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर दूरी तक मोबाइल फोन प्रतिबंधित किए गए हैं। आगरमालवा में पशुओं के टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 510 गांवों के करीब 3 लाख दुधारू पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।